खिलाफ हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में मेहमान टीम को 10 विकेटों की करारी शिकस्त दी। इस मैच में टीम इंडिया के हीरो रहे तेज गेंदबाज उमेश यादव। यादव ने मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए कुल 10 विकेट चटकाए। मैच के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने उमेश यादव की न सिर्फ तारीफ की बल्कि कोहली ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए प्रबल दावेदार भी बताया। दरअसल टीम इंडिया को दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है और इस महत्वपूर्ण दौरे के मद्देनजर कप्तान कोहली ने उमेश यादव को प्रबल दावेदार बताया। कोहली ने इस बारे में कहा, मुझे लगता है कि उसने अपने करियर का लाजवाब प्रदर्शन किया और वो इस प्रदर्शन को आगे और भी बेहतर कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैच काफी मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि कुकाबुरा गेंद ऐसा बर्ताव नहीं करती है जैसा इंग्लैंड में करती है, इसलिए आपको पूरे दिन दौड़कर रफ्तार से सही लाइन एवं लेंथ में गेंदबाजी करनी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस दृष्टि से उमेश ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए बिल्कुल सही है क्योंकि उमेश की गेंदों में तेजी है, उसका फिटनेस स्तर पूरे दिन गेंदबाजी के लिए बेहतर है, वह अहम मौकों पर विकेट भी चटकाता है और उसकी गेंद में अच्छा बाउंस भी है, इसलिए अब चयन काफी मुश्किल होने वाला है। निश्चित रूप से सभी चारों गेंदबाज जब 140 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं और वे आपके लिए विकेट चटकाते हैं तो ये चीज निश्चित रूप से ऐसा है जो हर कप्तान रखना चाहेगा। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया को 3 T20, 4 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। उससे पहले भारतीय टीम को विंडीज के खिलाफ 5 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज से पार पाना है।